उसके आगे आ रही है, पढ़ते हैं। ये शीट तो हमारी फट चुकी है, तो अब हम इस्तेमाल बार से फाइनली कुछ ऐसा रेडी हुआ है अभी। क्या हाल आप लोग का, मैं सब सही होंगी और मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने एक व्लॉग को स्टार्ट किया था, मतलब कि मैच वाले व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था, एंड मैं अभी दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने पैक करना है। आपको मैंने बताया था कि मेरे दोस्त के आगे आ रही है पढ़ते, सो उसके लिए मैं सारा कुछ सामान ले आया हूँ, गिफ्ट भी ले आया हूँ, तो उसे पैक करना है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर और फिर गिफ्ट को पैक करना स्टार्ट करना है, दिखाता हूँ कि क्या गिफ्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर सामान वगैरह ले आया हूँ कि जो मैंने बर्थडे गिफ्ट पैक करके देने, बर्थडे गिफ्ट क्या लाया हूँ वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। हमारे पास है यहाँ पर रैपिंग शीट जो कि हम चढ़ाएंगे गिफ्ट के ऊपर, एंड फिर हमारे पास ग्लिटर शीट है, एंड ये बर्थडे कार्ड है, एंड कुछ स्टिकर्स हैं, और जो हमारा मेन गिफ्ट है डायरी है, और कंप्यूटर पेपर्स हैं हमारे पास। तो बस अभी हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम काट लेंगे शीट को, और क्योंकि जो हमने साइज़ लिया था उसके हिसाब से ये शीट ज़्यादा पड़ी थी, इस वजह से हमने इसे काट दिया, एंड बस इसे रख दिया, हमने बाय बाय किया इसे, एंड इसे फोल्ड कर दिया इस के अंदर, ये रैपिंग शीट के अंदर। और गाइस हमारी जो हेल्पिंग पार्टनर है ना, वो महक है। ये शीट तो हमारी फट चुकी है, तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो जिसको हमने साइड पर किया था, और ये मे भी पूरी भी आ गया, ठीक है। बस ये यहाँ पर टेप भी लग रही है, अभी यहाँ पर सारी साइड पे टेप लग जाएगी, फिर उसके बाद इसको काटेंगे और इसका भी कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करना है। और ये बस अभी ये रेडी होने वाला है हमारे पास। स्टिकर्स को भी खोलता हूँ क्योंकि बस इनका भी यूज़ आने वाला है। बस यहाँ पर हमारा रेडी होने वाला है, बस यहाँ पर अभी लगेगी टेप, एंड देन फिर ये हो जाएगा फाइनली से रेडी। अभी हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, उसे भी करना है। अभी मैं बनाने लगा हूँ, कुछ कार्ड टाइप बनाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। 31 भी हो चुके हैं, एंड मैं मैच का व्लॉग भी अभी बनाने लगा हूँ साथ के साथ। अगर पाकिस्तान जीता तो वो आपको व्लॉग मिल जाएगा, नहीं तो बस नहीं मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच का व्लॉग। ये हमारी डायरी कुछ पैक शैक हो चुकी है, एंड यहाँ पर गन भी बनता जा रहा है। अब हम ये जो कार्ड है इसको इसके ऊपर चिपकाने लगे हैं, और इसके ऊपर इन स्टिकर्स को भी अभी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ कार्ड भी लगा दिया, अब इसके ऊपर लिखेंगे, एंड देन ये स्टिकर्स अभी हम लगाते हैं। और यहाँ पर हमारा कार्ड भी रेडी हो रहा है। फाइनल लुक कुछ इस तरह की आई है, बड़ी मज़े की बन गई है ये। अब अभी इस वक्त हम बनाने लगे हैं कार्ड, और मैं आपको कार्ड का कुछ स्टाइल दिखाता हूँ कि कैसा है। फाइनल लुक इस तरह आई है, अभी हम इसे और रेडी करते हैं। ये वाला कार्ड हो गया ज़ाया, अब हम नया कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पर कार्ड को मैंने कुछ इस तरह का स्टाइल दिया है, और इसको भी अभी हम आउटलाइन वगैरह करते हैं अभी इसे, एंड मेरा ये आइडिया कि मैं सारी साइडों पे आउटलाइन करूँगा, और जब ये आउटलाइन होता है फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पर बस 3-2-1 आउटलाइन हो गया है हमारा, और ये देखें कुछ इस तरह का लग रहा है। अभी यहाँ पर करते हैं अंदर क्या पता मैं ना ही करूँ, एंड बस अब लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हमारा कार्ड भी रेडी होने वाला है। ये मैंने बाहर लिख लिया हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड देन जब फिर हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ कि क्या निकलता है। वैसे बाहर मैंने जो हैप्पी बर्थडे टू यू वही लिखा, फिर लिखा विशिंग यू आर हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, फिर आगे मैंने विशेज़ लिख लिए, बेस्ट विशेज लिख दी, एंड फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर, एंड अभी फ्रॉम भी लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने दोस्त का नाम फॉर, एंड फ्रॉम मेहताब मुस्तफ़ा यहाँ पर बस। और हमारा ये कार्ड भी इस तरह करके हो चुका है फाइनली से रेडी। और आपको कैसा लगा ये कार्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा लगा है। बड़ी मेहनत लगी है गाइस, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, भी मेरे थोड़े थोड़े सर में दर्द होने लग गया। और मैं आपको बताऊँ तो मैच भी स्टार्ट हुआ है, जो कि मैंने अभी छोड़ा हुआ है सिर्फ इसको बनाने के लिए। अभी जाके मैच देखते हैं, और फिर उसका अलग व्लॉग आपको शायद मिल जाए अगर पाकिस्तान जीत जाए तो।
बस ये दोनों गिफ्ट्स थे जो कि आपको दिखाया मैंने, एंड ये वाला व्लॉग मैं अपलोड करूँगा बाद में, बिकॉज आज है पाकिस्तान इंडिया का मैच, अभी उसका बनाऊँगा, फिर कल मैं उसका अपलोड करूँगा, कल है उमर राव की बर्थडे, तो उसे पता ना चल जाए अगर मैं कल ही बताऊँ चढ़ाऊँगा ये व्लॉग, तो इस वजह से मैं चढ़ाऊँगा ये वाला परसों व्लॉग। एंड बस आज के वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा, कैसा लगा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल कर दें सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट पर कर दें, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाएँ अभी फॉलो करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।